नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी और मैं फिर से आ गई हूं आप सबके लिए एक नया मेकअप वीडियो लेके। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये एक पार्टी लुक है। आपको पता है मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई पार्टी में जाने वाली रहती हूँ ना, तभी मुझे कोई ना कोई काम आ जाता है। तो उसकी वजह से जो भी मैंने सोच के रखा होता है कि मैं इस तरीके से तैयार होंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बट मैं वो कुछ नहीं कर पाती, तो उस वक्त मैं ये वाला लुक क्रिएट करती हूँ। तो आप कह सकते हो कि मेरा एवरग्रीन मेकअप लुक है, या फिर मैं जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं इस तरीके का लुक क्रिएट करती हूँ। ये बहुत ही इजीली हो जाता है, बहुत कम टाइम लगता है, एंड सेम टाइम पे बहुत ग्लैमरस भी लगता है। एंड इस लुक को आप किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, चाहे आपने साड़ी पहना हो, सूट पहना हो, या फिर वेस्टर्न पहना हो। एंड टाइम कम होने की वजह से मैं ये लुक मैं कुछ स्टेप्स जो है मैं स्किप करती हूँ, बट उससे मेरे मेकअप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप आगे देख लेंगे, एंड वो स्टेप कौन कौन से वो भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेकअप स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। पता है आपको, ये मैंने मेकअप करते करते सीखा है कि हम कुछ भी अपने फेस में लगा रहे हैं ना, तो उसे हमें एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट छोड़ना पड़ेगा अपने फेस में जैसे एब्जॉर्ब होने के लिए। देन फिर आप प्राइमर लगाओगे, फिर उसे 5 मिनट एटलीस्ट एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, देन आप अपना बेस स्टार्ट करोगे। तो अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम प्राइमर वाला जो स्टेप है वो स्किप करेंगे, एंड हम यूज करेंगे एलोवेरा जेल। ये फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है, एंड सेम टाइम पे प्राइमर का काम भी करता है। तो चलिए सबसे पहले एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेते हैं। इसे कम से कम 2 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करना है। हमारी फेस अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुकी है, अब मैं लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी, और उसके लिए मैं यूज करूँ ये लिप बाम। ये है बायोफ्रेश का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। बेस के लिए मैं यूज करूंगी पॉन्स का ये बीबी क्रीम। अब आप बोलेंगे कि ये तो पार्टी लुक है, बीबी क्रीम क्यों यूज करे, कुछ हैवी सा फाउंडेशन यूज करता है। करने का तो कर लेंगे, पर ब्लेंड करने के लिए टाइम चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। फिर हमको फाउंडेशन ब्लेंड करना होगा, देन हमें कंसीलर अप्लाई करना होगा। अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं यूज कर बीबी क्रीम। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट है, एंड कवरेज भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है, तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ। एंड इसे मैं सेट कर लूंगी लैक्मे के इस लूज पाउडर से। अब मेरी फेस पूरी तरह से फ्लैट लग रही है, तो अब क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन दे दे, क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्लैमरस लगना है। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का ये डीफोर्स कॉन्टोर पैलेट। ब्लश एंड हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ये इल्यूमिनेटिंग शिमर ब्रिक। तो इस पे हाइलाइटर एंड ब्लश मिक्सअप है, तो हमें अलग से कोई हाइलाइटर यूज करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा टाइम बच जाएगा। आईब्रोज को फिल करने से पहले मैं इसे ब्रश कर ले रही हूँ। इससे ना बहुत इजी हो जाता है, आप इजीली फिर अपने आईब्रोज को फिल कर पाते हैं, आपको एक शेप मिल जाता है। देखिए अभी मेरी फेस मतलब लग रहा है कि मैंने मेकअप किया है, बट उतना ज्यादा उभर के नहीं आ रहा है। बट जब हम आईब्रो को फिल करेंगे ना, तब आप देखिएगा कि किस तरीके से आपका मेकअप पूरा उभर के आएगा। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मालियो का ये आईब्रो केक। ये तो मैं हर वीडियो में मैं सेम ही
पैलेट यूज करती हूँ क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि बहुत मतलब मेरे आईब्रो के जो कलर्स है ना बहुत अच्छे से ये मैच करता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं इस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, जो हमें सूट करता है हमें वही यूज करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं यूज कर रही हूँ आप भी सेम यूज करो, जो आपको सूट कर रहा है ना, जो आपको लगता है कि नहीं ये आपके स्किन के साथ जा रहा है आप वही यूज कीजिए, आप उसी के साथ में ही ये लुक को क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं यूज कर रही हूँ आपको सेम यूज करने पे ही आपको ये लुक मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आईशैडो के लिए मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आईशैडो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि अब मैं अलग अलग आईशैडो अप्लाई करूँ, तो उस टाइम पे ना ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ, अगर आप वेस्टर्न पहन के पार्टी में जा रहे हैं तो आपको बस मस्करा अप्लाई करना है एंड एक न्यूड लिपस्टिक एंड आपका वेस्टर्न लुक कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इंडियन कैरी कर रहे हैं तो अब मैं आपको एक आईलाइनर दिखाऊंगी। आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का ये जेल लाइनर। एंड सिंपली इस लुक को कंप्लीट कर रही हूँ मैं ये लिक्विड रेड लिपस्टिक के साथ। इस मेकअप को मैं फिक्स कर रही हूँ फेसेस कनाडा के इस मेकअप फिक्सर से। तो ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आपको मेरा ये लुक प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड इसी तरह अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।